हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी रीड इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड लेसन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी रीड फर्स्ट सेकेंड चैप्टर बट आई रीड टुडे क्वेश्चन आंसर ऑन चैप्टर वेस व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स अर्थात वर्णमाला क्या है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। हमारी इंग्लिश में 26 लेटर्स एच से लेकर जेड तक होते हैं, इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। व्हाट आर वॉवल्स, वॉवल्स क्या हैं। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल। ए से लेकर जेड तक लेटर्स में से ए ई आई ओ यू जो लेटर्स होते हैं उन्हें वॉवल्स कहते हैं। व्हाट आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन क्या होते हैं। द रिमेनिंग 21 लेटर्स अर्थात वी सी से लेकर जेड तक ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। गिव एग्जांपल, उदाहरण द्वारा समझाइए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ए सेंटेंस हैज सब्जेक्ट पार्ट एंड वर्ब पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन 6, हाउ मैनी काइंड ऑफ सेंटेंस राइट देयर नेम। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके नाम लिखो। सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दे आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और डिक्लेरेटिव को दो भागों में बांट सकते हैं। इंटरोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव और नेगेटिव। इस तरह से हम सेंटेंस के प्रकार पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर पर नोट करेंगे और याद करके दोबारा इनको लिखेंगे होमवर्क के रूप में। थैंक यू।